नागपुर महानगर पालिका में पिछले दो सालों से प्रशासन राज चल रहा है। कोरोना की वजह से यह हाल राज्य के सभी महानगर पालिका का है और तभी से मनपा के चुनाव नहीं हुए हैं। खामियाजा कोसों दूर लोगों को परिसर में विकास नहीं दिखता और समस्याओं के बीच अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। शहर के कपिल नगर में भी यही हाल है, लोगों को गटर के पानी के बीच ना के जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। कपिल नगर परिसर में 40 सालों से गटर की समस्या बनी हुई है। यह ना तो गटर लाइन बदली गई है और ना ही नई गटर लाइन बिछाई गई है, जिस कारण धूप काले में गटर का पानी रास्ते पर बहता है। राहगीरों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। बच्चे भी इसी पानी के इर्द गिर्द खेलते हैं। आए दिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि परिसर में पुराने नगर सेवक भी आकर नहीं देखते, ना ही उन्होंने पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से निभाई है, जिस कारण परिसर के लोगों का मनपा के प्रति गुस्सा उमड़ रहा है। परिसर के लोग मनपा से ध्यान देने की गुहार लगा रहे हैं। कपिल नगर प्रभाग 2 में की समस्या ऐसी है। कपिल नगर की समस्या तो पिछले 40 साल से जो गटर की पाइपलाइन बदली नहीं गई है और पूरी मर्च हो गई है गटर लाइन, और पाइपलाइन भी पूरी ख़राब हो चुकी है, जिसका नतीजा अभी धूप काले में हमारे को दिख रहा है यहाँ पे। और लोगों के घर के सामने गटर का पानी बहुत बुरी तरह से, पूरा गंदा पानी लोगों के घर के सामने आ रहा। रोज़ कॉरपोरेशन वाले को फ़ोन करके बुला रहा हूँ, वो आ रहे हैं अपना साफ कर रहे हैं, फिर भी वही हो रहा है। मैं काफ़ी 4 दिन से दवाई वाले को दवाई मारने के लिए बुला रहा हूँ, वो भी दवाई मार के जा रहे हैं, लेकिन ये समस्या अभी धूप काले में है तो आने वाले बरसात में क्या होगा। इसलिए प्रशासन यहाँ के 20 साल से जो नगर सेवक है या MLA है, इन लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो अभी जनता में इतना आक्रोश आ गया कि अभी गटर का कैसा करना। और कपिल नगर में कोई दूसरी कोई समस्या नहीं है, सबसे ज़्यादा यहाँ गटर की समस्या है। अगर गटर की पाइपलाइन नहीं बदलेंगे तो आने वाले 1 महीने के बाद में जो बारिश चालू होंगी, बारिश में काफ़ी समस्याएँ, बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ जाएंगी। यहाँ कम से कम ये जितने दायरे में पानी बह रहा है, कम से कम 16 से 17 बच्चे या छोटे छोटे, उनकी जिम्मेदारी प्रशासन लेता है या और कोई लेता है? यहाँ के नगर सेवक जो 20 साल से वो लेते हैं, यहाँ के MLA लेते हैं या और कौन लेता है? तो इसकी जानकारी हमें दे। हमें प्रशासन से, आयुक्त को काफ़ी पत्र दे चुके हैं कपिल नगर, कामगार नगर, और लोग सिर्फ एक ही चीज़ के लिए फ़ोन कर दें कि गटर भर गई, गटर भर गई, गटर लाइन खराब हो गई, गटर खराब हो गई, पूरी गटर मर्च हो गई है, पूरी ध्वस्त हो गई है अंदर से, जो गटर का पानी आगे बह ही नहीं रहा, वो घर के माध्यम से बाहर रोडों पे आ रहा है। बहरहाल यह हाल शहर के अधिकांश इलाकों का है। मनपा फिलहाल रिहायशी इलाकों में बारिश पूर्वक कामों में व्यस्त होने का दिखावा करी है और शहरवासी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जरूरत है कि अधिकारी इसी कैबिन से निकले और अपने कार्य परिसर में जाए और समस्याओं को जानकर उन्हें दूर करें। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।